छत्तीसगढ़ के दूरदरारो अंचल में सरकार द्वारा तालाब बनवाए गए हैं, जिसका मकसद है गांव के लोगों को नहाने, कपड़े धोने और जानवरों को धोने, पानी पिलाने की उचित व्यवस्था मिल पाए। लेकिन कवर्धा जिला के दमगढ़ बैगापारा गांव के तालाब में सीढ़ी नहीं होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपके यहाँ कहाँ समस्या रही दीदी? सीढ़िया के समस्या है दीदी, तालाब में। तालाब में आप लोग घर में क्यों नहीं नहाते? हम नहीं नहान दीदी, घर में घर के पानी ला रान खाथन, तरैया नदिया जाथन नहाला, वहाँ मुड़ कोर थान, कपड़ा कास्थान, पत्थरा के दिक्कत है दीदी, तो हम सीढ़िया बनवा लेते हैं कथन तरैया में दीदी, बिछल आत है पानी आत है, टूरा मन बिछल जाते, लैका मन बिछल जाते, टूरी मन बिछल जाते, सीढ़िया बन जातीस तो हमार बहुत फायदा हो जातीस दीदी, सब गांव में तो बन गई से सीढ़िया, तो सरकार हमार दमगढ़ गांव के तरैया में कैसे नहीं दे सीढ़िया बांधेला। पहले इस तालाब में सीढ़ी बनी थी दीदी? नहीं बनी से दीदी, 50 साल हो गई से बने नहीं आए। तो आप लोग सरपंच के पास गए थे, ग्राम सभा में गए थे? गए हैं दीदी, सरपंच से गला लिखवाए हैं, ग्राम सभा में लिखवाए हैं, तो ग्राम सभा के लिखित दे हैं, वो ध्यान नहीं दे ग्राम से गला। मैं और समुदाय के लोग चाहते हैं कि तत्काल तालाब में सीढ़ी का व्यवस्था किया जाए। इसके लिए मैं वीडियो देखने वाले दर्शकों से अपील करती हूं कि पंडरिया ब्लॉक के मुख्य पालन अधिकारी श्री कैलाश कोड़ोपी जी को 9007728065 इस नंबर पे कॉल करके दबाव बनाइए। मैं दीना गणवीर, ग्राम दमगढ़ बैगापारा, ब्लॉक पंडरिया, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़, इंडिया, अनहट के लिए।